हेलो फ्रेंड, आपके लिए एक और डीआईवाई लेके आई हूँ और उसमें दो बनाऊंगी ब्यूटीफुल जो आप देख रहे हो। एक लालटेन है और एक फ्लावर पॉट है। जीरो बजट है दोनों का और हमको कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा और इसके लिए हमें ये घर के पड़े हुए सामान, देखिए एक शीशी, खाली शीशी है जेम की, उसके बाद ये कुछ फूड कंटेनर है छोटे वाले दो, और छोटे छोटे दो ढक्कन और ले लिए हैं मैंने। इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं, दोनों में ब्लैक कलर कर दिया। फिर एक मोटा सा तार ले लिया मैंने, ये तो मेरे फुलझड़ी का तार है उसका यूज़ कर रही हूँ मैं, इसको कलर कर देंगे। अब ये जो दो छोटे छोटे ढक्कन थे इनको हम आपस में एक के ऊपर एक करके जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इसके ऊपर हम कलर करेंगे। हमारा कोई भी माने इसमें पैसे नहीं लग रहे, कुछ भी नहीं रहे, और बहुत सुंदर सी डीआईवाई बन के तैयार हो जा रही है। तो इसको भी हम पूरा कलर कर लेंगे। तो नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, दोनों देखिए मेरे कलर हो गए। ये ऊपर मैंने फिट करके देखा, हाँ देखिए अच्छा लग रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले ढक्कन के ऊपर हम अच्छे से ग्लू लगा लेंगे और ऊपर वाला जो मैंने ब्लैक कलर करके तैयार किया उसके ऊपर चिपका देंगे। तो ये ढक्कन भी उसके साथ चिपक जाएगा। तो बाद में हम इसी के थ्रू इसको बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। ये देखिए ये तार लगा दिया है। अभी तार मैंने ऐसे लगा के बता रहे, बाद में हम इसको और अच्छी तरह से फिट कर देंगे जो बार बार ना निकले। तो नीचे से हम इसमें ग्लू लगा देंगे या कुछ ऐसी मोड़ देंगे, ये निकलेगा नहीं। अब ये नीचे वाले पोर्शन में भी अच्छे से ग्लू लगा के हम इस बॉटल को है ना इसमें चिपका देंगे। ये देखिए चिपक गया। अब इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देंगे। इसके अंदर आप जो भी आपके पास हो अंदर लाइट के लिए वो रख दीजिएगा, एक सुंदर सी लालटेन बन के तैयार हो जाएगी, है ना, एकदम इजी और घर के सामान से बनने वाला। तो ये देखिए अभी मेरा निकल रहा है, इसको मैं अभी अच्छे से फिट करूँगी। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। अब ये देखिए मैंने एक हार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड सॉरी, है ना, जो कार्टून आते हैं ना उसको हमने फाड़ के ये साइज में निकाल लिया है। आप साइज कुछ भी रख सकते हो जो आप स्क्वायर में रहे। स्क्वायर के बाद हम इसको बीच में से ऐसे पूरे एक तिरछी लाइन से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब काट लेंगे हम इसको। तो ये मैंने इसको यहाँ से काट लिया है, ये ऐसे काट लेंगे। हर घर में मिल जाएंगे ऐसे कार्डबोर्ड, तो सामान ये देखिए। अब इसका भी एक हम इस शेप में काट के इसके पीछे वाले प्लेन वाले पोर्शन में चिपका देंगे, है ना। ये प्लेन वाले पोर्शन में हमने इसको ग्लू से या फेविकोल से चिपका दिया मैंने। अब इसको ऐसे मोड़ के हम गम से अच्छी तरीके से चिपका देंगे। तो ये मैंने चिपका दिया। वैसे तो मैंने इस पे कोई कलर नहीं किया, बिल्कुल ओरिजिनल ही रखा है। अगर आपको कोई भी कलर करना है, कुछ भी करना है, तो आप इस पे कलर कर सकते हो। और नीचे से भी अगर बेस को बंद करना है तो आप एक राउंड शेप में काट के बंद कर दीजिए, लेकिन मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं किस कहीं भी इसको उठा के इसके अंदर कुछ भी चीज़ फ्लावर पार्ट छोटा सा रख सकती हूँ। ये मेरे पास है ईयरबड, 5 रुपये का पैकेट मिलता है छोटा सा, वो ले लीजिएगा। और ये ऐसे करके मैं पूरे में लगा दिया। ये देखिए इतना लगाने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने जैसा है वैसा ही रखा, कुछ भी नहीं किया है। अब इसके अंदर हम कोई भी फ्लावर लगा के आपको दिखा सकते हैं। तो मेरा ये डीआईवाई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा, आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। और कमेंट भी करिएगा, सपोर्ट करिएगा।